आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे एक सुरेश सज्जन जी, डीसीसी बैंक उपाध्यक्ष, प्रबल लीडर, भारतीय जनता पार्टी में बहुत साल से काम कर रहे थे, उन्होंने ये जो आने वाले 3 तारीख को एमएलसी इलेक्शन है, वो थोड़ा नाराज़ होके उनका टिकट मिस हो गया था, ऑलमोस्ट उनका नाम फाइनल हुआ था, कुछ रीज़न को भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी बी वाई विजेंद्र हमारे राज्य अध्यक्ष के नेतृत्व में डिसीजन क्या हुआ, अमरनाथ पाटिल को टिकट दिए, उस वजह से हमारे सुरेश सज्जन थोड़े नाराज़ हो गए थे, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, तो हम पूरे हमारे जिला के अध्यक्ष जी शिवराज रद्देवाड़ी के नेतृत्व में हमारे पूरे लीडर्स सुरेश सज्जन को जाके रिक्वेस्ट करें, आप एक बहुत बड़े लीडर है, आपका शक्ति बहुत है, आप 2 साल से बहुत मेहनत करे सो है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आप सब तरफ ऑफिस खोल के 40,000 एनरोलमेंट किए सो है, हम सब मानते हैं, बट जो भी भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लिया आप उसको सपोर्ट करना, तो उन्होंने एक दिन टाइम मांगे थे, उन जाके बी वाई विजेंद्र हमारे राज्य अध्यक्ष उनको बेंगलुरु बुला के बी एस येडियुरप्पा के साथ नेतृत्व में पूरे बाकी के सब लीडर के नेतृत्व में सुरेश सज्जन जी को आप इस बार अमरनाथ पाटिल को सपोर्ट करिए, आने वाले दिनों में हम आपको एक अच्छा स्थान मान पोस्ट देंगे, आपको आपका टिकट मिस हो गया बोल के आप नाराज मत होजिए, भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे लीडर को बहुत मान्यता मिलेगा आगे, तो उनके रिक्वेस्ट पे आज हमारे सुरेश सज्जन ने मानकर उनका आज विड्रॉल है, तो हम उनको तहे दिल से अभिनंदन देते हैं। सुरेश सज्जन आने के बाद जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में 7-8 प्रबल आकांक्षी थे, वो सभी लोग एकजुट होकर अमरनाथ पाटिल जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक कर कर हम ये जो भारतीय जनता पार्टी का सीट था लास्ट टाइम 2018 में मिस हो गया था, उसको फिर एक बार हम भारतीय जनता पार्टी का सीट जीत के करेंगे बोल के बोलना चाहूंगा आप सभी को। आपकी पार्टी के कैंडिडेट आने के बाद क्या नया सुधरेगा सर, क्या नया सुधार क्या आएगा, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि जैसा राशन की लाइन में लोग खड़े होते हैं, जैसा स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और एग्जाम्स जो है ना टाइम टू टाइम नहीं हो रहे, उसमें बहुत बहुत इश्यू है सर, बहुत ही इश्यू है, और आपको मालूम है ये कांग्रेस सरकार 1 साल से चल रहा है, इसके इश्यूज 1000 times इन्फ्लेशन हो गए सो है, 1000 times लोगों को प्रॉब्लम हो गए सो है, सब तरफ बहुत ही प्रॉब्लम्स है, तो अमरनाथ पाटिल जी एक आदमी एक एमएलसी नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर कुछ काम करेंगे, बट ये क्लियर है जो भी ग्रेजुएट्स है दे आर इन फेवर ऑफ बीजेपी, बिकॉज उनको मालूम है जो अवेलेबिलिटी और जो काम और जो लोगों को पहुंच सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उसमें अमरनाथ पाटिल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक टर्म रेस है, तो हमें को 100% भरोसा है अमरनाथ पाटिल होने के बाद जितने भी इश्यूज पेंडिंग है उन हर इश्यू को विधानसभा में उठा कर सॉल्व करेंगे। सर जो अभी कॉलेजेस में ज़्यादातर डोनेशन लिया जाता है उस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता सर। करेक्ट सर, तुम हर चीज़ हमारे को पूछेंगे तो कैसा, हम जीतने के बाद हम लोग प्रयत्न करेंगे, ये सब कांग्रेस सरकार में ये सब प्रॉब्लम्स वही लोग करते हैं, वही लोग छूट देते हैं, नहीं नहीं सबका रहता है, सबका है, हम नहीं बोलते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम अमरनाथ पाटिल को जीतने के बाद आपका प्रस्ताव रखेंगे हम सर, इसके बारे में आप विधानसभा में थोड़ा आवाज़ उठाइए, धन्यवाद।